हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह सुबह आज तो जल्दी उठ गए क्योंकि गोलू के स्कूल में आज जल्दी जाना है। ये वाली बस जो बड़ी में जा रहा है। क्या हुआ? टाइम बताओ। टाइम हुआ है 7:20। आ जा, बाहर चलेंगे। 10 मिनट बची है। कोई नहीं, बाहर बैठेंगे। और गोलू आज बन के जा रहा है सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के, झंडे अंडे लेके, झंडे बैग में रखे हैं इसके। ले मेरे को दे, मैं खोल। किसने मार दी इसके बैग पे? गार्ड तो है ही, सरू से मैंने मार रखी है। नहीं बेटा, मैंने मार रखी, नहीं तो नहीं लंबी हो जाती है ये तेरी बद्दी बैग की। दादी को बाय कर जा। ओ नेता जी, अरे पीछे देख कौन आ रहा है। वही देख, तेरे पीछे कौन है। आज तो बात ही नहीं करता छोरा। नेताजी यहाँ बैठेंगे क्या? अरे वाह नेताजी, अरे वाह नेताजी, बाज के क्या। जल्दी के चक्करों में सारी दुकानें बंद है, अभी खुलने लग रही है। ये तो अंकल आए भी नहीं है, हमारे घर के सामने रहते हैं रेडी वाले अंकल। यूकी भी बस नहीं आई है, तेरी भी बस नहीं आई है, मेरी तो आ गई। मेरी भी आ गई। प्रिंस तो गया, प्रिंस की सबसे पहले आ जाती है। तक आएगी गोलू? बस पे बस जा रही है, पर कोई गोलू की नहीं आ रही है यार। आज तो खुले खुले बाहर खड़े हो रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं होती है, इतनी ज्यादा वो होती है। गोलू की बस ना आई अभी भी, एक बस गई वो गोलू की नहीं थी। इंतजार करते करते थके, कुंजी के अगले इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, बस पूछो मत। रोज़ स्कूल जा जा के थक गई मैं तो। इतना तो मैं खुद अपनी ज़िंदगी में अपने स्कूल में नहीं गई जितना इसके काम के लिए इसके स्कूल में जा रहे हैं। क्यों कुंजी का है ना, आज फिर जा रहे हैं। देखो आज हो अपसो काम पूरा हो जाए। और देखो मैडम जी, मैं तो कह रही हूँ कि मैं स्कूटी पर लेकर चलती हूँ दीदी को। दीदी ना मेरे साथ स्कूटी पे जाना चाहती, ना ही कुंजिका के साथ जाना चाहती, तो अब हम जाएंगे ऑटो में। तो कैसे खड़ा कर देते हैं ट्रक वरक, इसके बीचों बीच निकलना भी भारी काम है। अब हम रिक्शा लेके जाएंगे यहाँ से, कोई मिल जाए तो। रिक्शा वाला भैया आ गया, इसी के साथ बैठ के चलते हैं। कभी ऑटो के कभी स्कूटी के मजे लगते रहते हैं। आज ऑटो में पर ना धूल मिट्टी बहुत आता है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि बस घर के अंदर, फिर घर के बाहर, फिर घर के अंदर, फिर घर के बाहर, ऐसे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अभी आ गई है कुंजिका की एक फ्रेंड पीछे गाड़ी में। कभी घर कभी बाहर, ये करते करते पूरा दिन निकल जाता है। बाकी दिन जो बचता है उसमें मैं सो जाती हूँ। तो आजकल मैं ना तो मैं कुछ काम कर पा रही हूँ, बस एक काम अच्छा हो रहा है कि मैं स्कूटी चला पा रही हूँ, स्कूटी में घूमती रहती हूँ, और बस यही बढ़िया काम हुआ और नहीं है कुछ हुआ। आ जाना, मैं दूसरी लोकेशन पर बैठ गई यहाँ पर। बड़ा अजीब सा लग रहा है, और एक डोगी है ना वो मेरे साथ बैठा है। ये देखो, ये मेरे चेयर से थोड़ी सी दूर बैठा है, आराम फरमा रहा है। मैं दूसरी साइड स्कूटी खड़ी करके दूसरी साइड बैठी हूँ, और इधर ना इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी। व्यू भी कितना अच्छा ना यहाँ का, और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आती है। अब मैं इसी चैनल पे ना वीडियो डाला करूँगी, दूसरे वाले पे नहीं डालूँगी, उस पे मैं दूसरी डालूँगी, और इस पे मैं व्लॉगिंग वाले डालूँगी। तो आप अब आपको व्लॉग है ना इस चैनल पे दिखाई देंगे, तो आप इस चैनल पे ही व्लॉग देखने के लिए आ जाना। वेट करेंगे हम सब आपका। मेरे को तो यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा है ना, बस पूछो मत। अगर हम भी यहाँ रह रहे होते, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती। ये देखो खाली पड़े हैं मकान सारे, इनमें कुछ कुछ में लोग रहते हैं, बाकी खाली पड़े हैं। और देखो ख़राब भी होते जा रहे हैं, खंडर होते जा रहे हैं। ज़्यादा महंगे भी नहीं है यहाँ पे, सस्ते ही है, लेना चाहे तो 0.25 करोड़ तक आ ही जाएगा। 0.25 करोड़ भी सस्ता नहीं है, है ना। चलो तो आज का व्लॉग तो यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग। बाय बाय।